मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे ग्रैंडमा नेबर्स, ठीक है, यानी ग्रैंडपा नेबर्स में पढ़ेंगे। सो रीड करेंगे, ग्रैंडपा हैड मैनी स्टोरीज टू टेल, अनु लव टू हियर द वंस अबाउट देयर हाउस। टेल मी मोर अबाउट आवर हाउस प्लीज, सेड अनु। ग्रैंडमा स्माइल, 30 years एगो ही हैड बिल्ट द हाउस दे स्टिल लिव इन, बट ही कुड टॉक अबाउट इट एवरी डे। ईच डे ही हैड समथिंग न्यू टू रिकॉल। वेन वी बिल्ट दिस हाउस आवर्स वॉज द ओनली वन अराउंड, सेड ग्रैंडपा। दैट साउंडेड स्ट्रेंज। अनु लुक्ड आउट एट स्ट्रीट द सो द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ houses that touches each other. They looked as if they were saying great to buy your neighbors. So did not you have neighbors? Quest Anu. Okay. So क्या कहते हैं ग्रैंडपा, बहुत सारी उसको स्टोरियाँ सुनाते हैं अनु को, पर अनु को अपने घर के बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो कहती है दादा से कि प्लीज़ हमें अपने घर के बारे में, हमारे हाउस के बारे में बताइए। तो ग्रैंडपा स्माइल करते हैं ग्रैंडपा और बोलते हैं 30 years एगो ही हैड बिल्ट, जब ये मैंने घर बनवाया था तो कहते हैं कि जब मैं ये घर बनवाया था तो मतलब यहाँ पर कोई उतना आसपास उतना अच्छा नहीं रहता था और मैं बहुत स्ट्रेंज फील करता था, मैं बहुत अकेलापन फील करता था। तो अनु लुक्ड आउट एट द स्ट्रीट, तब अनु क्या करती है बाहर देखती है, वहाँ के सड़क को देखती है, वहाँ के स्टार ट्विंकल जो स्टार देखती है और कुछ हाउसेस देखती है, ठीक है, सब चीज़ बाहर वो देखती है। तो जब देख लेती है तो फिर बोलती है अपने दादा से कि इसका मतलब कि आपके घर के पास कोई नेबर्स नहीं रहते थे, नेबर्स में आपके कोई पड़ोसी नहीं रहते थे, वो दादाजी से पूछती है। तो दादाजी क्या कहते हैं नेक्स्ट, सो दादाजी क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स वी हैड नेबर्स, दे वो नीम ट्री एंड मैंगो ट्री, सेड ग्रैंडपा। दे वो क्रो एंड माइना, पैरट्स एंड स्पैरो, एज द सनसेट पैक ऑफ जैकल वुड कम आउट एंड होल। Grandpa smiled. These birds and animals never made the neighborhood dirty like people do. Then said Grandpa, every few months new neighbors built their houses and sifted in. Old neighbors like tree and birds, cats and dogs lost their home. Anu looked out again. There were car and people on the street. ठीक है, तो जब अनु अपने दादा से पूछती है कि क्या आपके पास कोई भी पड़ोसी नहीं थे, तो अनु के दादा क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स मेरे पास पड़ोसी थे, जैसे मेरे पास पेड़ था, नीम का पेड़ था, आम का पेड़ था, और क्रो थे, मैना थे, पैरट थे, स्पैरो थे, सनसेट था, ये सब क्या है हमारे पड़ोसी ही जैसे थे। और ये सब जो बर्ड्स और एनिमल्स, जैसे डॉग वॉग जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं, वो हमारे यहाँ के लोग मतलब हमारे चीज़ों को गंदा नहीं करते हैं जैसे पीपल करते हैं, ठीक है, जो नेबरहुड होते हैं वहाँ के पीपल जो होते हैं, जैसे आजकल के क्या होते हैं कि यहाँ का कूड़ा वहाँ फेंक देते हैं बीच में, तो उससे क्या होता है गंदगी होती है। सो वही उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो गंदगी नहीं करते हैं जैसे पीपल, जैसे लोग करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि कुछ महीने बाद एक न्यू नेबर्स आए, ठीक है, जो हमारे घर के पास रहने लगे, वो शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो ओल्ड नेबर्स जैसे कि एनिमल्स, ट्री, बर्ड्स, वो सब क्या हो गए, वो सब अपने घर को खो दिए, क्योंकि वहीं पे उसका घर बन गया ना, तो वो न्यू नेबर्स का घर वहीं बन गया, तो वो सब अपना घर खो दिए। अनु लुक्ड आउट अगेन, फिर से अनु बाहर देखती है, क्या देखती है, कार देखती है, पीपल देखती है, लोगों को देखती है और सड़क देखती है, ठीक है। तो फिर क्या होता है नेक्स्ट, आई डोंट लाइक मिसेस चोपड़ा, सी लीन्स ओवर द वॉल टू पेंट माई चेक, सेड अनु। ग्रैंडपा लाफ, वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स, नॉट कैन दे चूज अस, बट वी शुड बी काइंड एंड पोलाइट टू दैम, इट इज़ डिफिकल्ट टू बी हैप्पी इज एन अनहैप्पी नेबर्स। अनु चेक्स हर्ट एट द थॉट ऑफ मीटिंग मिसेस चोपड़ा द नेक्स्ट मॉर्निंग, बट
बट परहैप्स ग्रैंडपा वॉज राइट, मिसेस चोपड़ा वॉज ऑलवेज हैप्पी टू सी हर एंड सी नेवर फॉरगेट टू शेयर विद अनु दोज डिलीशियस केक्स ही बेक्ड। द नेक्स्ट टाइम सी पिंचेस माई चेक आई विल सेट माई आईज एंड थिंक ऑफ द केक, सेड अनु। फिर अनु कहती है क्या दादाजी से कि आई डोंट लाइक मिसेस चोपड़ा, मुझे मिसेस चोपड़ा बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है, क्योंकि वो मेरे चिक जो है वो बहुत पिंच करती हैं, वो मेरे चिक को पकड़ के खींचती हैं, ठीक है, इसलिए वो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। तो ग्रैंडपा हंसने लगते हैं, ग्रैंडपा बोलते हैं कि वी कैन नॉट चूज़ आवर नेवर्स, हम अपने नेवर्स को चूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही हमारे नेवर्स हमें चूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें सबके साथ काइंड और पोलाइट बिहेवियर करना चाहिए, ओके, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी हैप्पी, क्योंकि वो हमारे सुख दुख में साथ देते हैं। सो अनु कहती है, अनु चेक हर्ट एट द थ्रू ऑफ मीटिंग। फिर से वो जब मिसेज चोपड़ा के पास जाती है नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अनु फिर से उसके चिक को हर्ट होता है, पर वो जो मिसेज चोपड़ा है उसे वो एक डिलीशियस केक देती हैं, ठीक है, और तब वो कहती है अनु की ग्रैंडपा वॉज राइट, ग्रैंडपा सही थे, हमेशा हमेशा दूसरे के साथ हमें काइंडली और पोलाइटली बिहेवियर करना चाहिए। मिसेस चोपड़ा वॉज ऑलवेज हैप्पी टू सी हर, खुश देखना चाहती हैं, ठीक है, वो हमें हर्ट नहीं करना चाहती हैं, ठीक। तो बोलते हैं दादाजी से, अनु बोलती है अगर वो नेक्स्ट टाइम मेरा चेक पिंच करेंगी तो मैं अपनी आईज क्लोज कर लूँगी, आई विल सेट माई आईज एंड थिंक ऑफ केक, और मैं उनकी अच्छी बात सोचने लगूंगी, क्योंकि वो मेरे लिए केक बनाई थी ना, तो वो केक सोचने लगेगी, ठीक, अनु ऐसा बोलती है। तो वी लर्न, हमें इस लेसन से क्या सीखने के लिए मिलता है, वी शुड बी काइंड एंड पोलाइट टू आवर नेवर्स, यानी हमारे अपने पड़ोसियों के साथ हमें काइंडली और पोलाइटली बिहेवियर करना चाहिए, वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब आवर नेवर्स बाय मेकिंग लाउड नॉइज एंड थ्रोइंग थिंग्स, यानी हमें अपने नेबर्स, जैसे हम लोग लाउड म्यूज़िक सुन के अपने नेबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और हमें अपने घर के पास कचरा कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, कोई भी थिंग नहीं फेंकना चाहिए जिससे डिस्टर्बेंस होता है नेबर्स को। लास्ट, हैप्पी नेबर्स मेक अ हैप्पी नेबरहुड, अगर हम लोग खुश अच्छे से बात करके खुशी खुशी रहेंगे तो हमारे नेबर्स भी खुश रहेंगे, ओके। सो आप इसके वर्ड मीनिंग ज़रूर लर्न कर लेंगे, ओके, अच्छे से। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करूँगी, ओके, तब तक के लिए आप एक बार ये रीड करिएगा। सो टेक केयर।